हे गाइस, वेलकम बैक इनटू माय न्यू अनदर वीडियो। तो यार यहाँ पे मैं खेल रहा था डू वर्सेस स्कॉट, जहाँ पे मैं क्लॉक टावर पे उतरा था और यहाँ पे काफी ज्यादा बंदे आए थे और उतरते मुझे मिला था एम्परे वन। फैल्को की वजह से सबसे पहले नीचे उतर तो गया था, लेकिन अभी भी काफी बंदा आसमान में लटक रहा था। तो मैं उनमें से एक को मारने का कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बच के सामने की तरफ उतर गया था, जहाँ पे वो नीचे की तरफ जाने का कोशिश किया था, लेकिन उससे पहले गाइस यार मैंने उसको मार दिया था। तो सोलो वर्सेस स्कॉट के अंदर अभी देखा एक और बंदा उतर रहा था और उसको एम्परियन से मैं एक हेडशॉट में मारा था, लेकिन उसके बाद वो नीचे उतर गया था और सामने वाला छोटे से घर में जाके घुस गया था। मुझे पता है कि वो अभी उतर के कुछ लूट भी लेगा तो शायद अभी मुझे नहीं मार पाएगा, और इस घर में इतना ज्यादा लूट होता भी नहीं है। और देखा यार वो बंदा पीछे की तरफ से भागने का कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने उसे एम्परियन से हेडशॉट मार के डाउन कर दिया था और उसको फुल खत्म भी कर दिया। क्लॉक टावर के इस छोटे से घर के पीछे से कोई तो मेरे पार्टनर को मार रहा था, और जिस तरह के देखा एक बंदा था जो मार रहा था, मैंने उसको मारने का कोशिश किया, तब तक मैं नीचे गिर गया था और तब तक उसने मेरे पार्टनर को डाउन भी कर दिया था। लेकिन इधर आके देखा वो बंदा कहीं पे भी नहीं था, शायद छुप गया था या फिर पता नहीं कहाँ था। लेकिन सबसे पहले अभी ज़रूरी था मेरे टीममेट को, मेरे पार्टनर को भी रिवाइव करना, तो मैं सीधा उसकी तरफ भागने लगा और देखने लगा कि पीछे से शायद वो ना मार दे। तो यहाँ आके मैं उसको ग्लू मार के बचाने लगा, जहाँ पे मैंने सोचा था कि शायद वो मुझे पीछे से मारेगा या फिर फायरिंग करेगा कुछ करेगा, लेकिन उतने में मेरे रिवाइव करते करते वो जिप लाइन से भाग गया था। जब लगा क्लॉक टावर में और कोई नहीं होगा, तभी यार कोई तो मेरे पार्टनर को डैमेज दे रहा था जो सीढ़ी के पीछे चुपके बैठा था मारने के लिए, तो उसे मैं हैंड मार के डाउन कर दिया था। वो डाउन था मतलब उसका स्क्वाड अभी भी जिंदा है, और मुझे लगा कि शायद बदला लेने इधर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद क्लॉक टावर से निकल के हंगर की तरफ आ गया था, क्योंकि यहाँ पे कोई तो किसी को रिवाइव कर रहा था हार्ट पे, और मुझे पता था मेरे आते आते वो लोग रिवाइव भी कर दिया था। मुझे पता था कि यहाँ पे वो लोग उतरेगा और मैंने सोचा था कि आसमान में उनको मारेंगे, लेकिन यार इस केस से मेरा सपना टूट गया। इस केस से उसको हेड किया यार, बॉडी तक नहीं लगा, आसमान में ही नहीं यार, नीचे की तरफ भी मैंने हेड मारने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ पे हेड शॉट नहीं बॉडी शॉट लग रहा था, और इतना गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन उन लोगों को मारना भी था, तो मैंने डायरेक्ट उनके ऊपर रास कर दिया। इतना गुस्सा मत करो रे। जब इधर आया कि देखा उसका तो पता नहीं, लेकिन कोई और इधर आ गया था, तो मैंने इसको MP5 से UMP से मैंने इसको हेड मार के डाउन कर दिया। और देखा यार सामने की तरफ एक बंदा भागते हुए जा रहा है, जिसको मैंने पहले डैमेज दिया था, जो ग्लू के कवर पे बच गया था, वो इधर सामने की तरफ भागते हुए जा रहा था, और मैंने उसका पीछा किया और उसको SK से तकड़ा हेड मार के डाउन कर दिया। तभी पीछे से कोई तो मुझे मार रहा था, लेकिन सबसे पहले इसका किल को कंफर्म कर दिया और पीछे वाले को मारने के लिए मैं इधर आ गया था। और तभी सामने की तरफ एक बंदा दिखा और मैं उसको हेड मारने का कोशिश कर रहा था, लेकिन गाइस यार इसके से सिर्फ 199 का हेड लगा था, लेकिन उसने मुझे भी हेडशॉट मार के डाउन कर दिया था। जहाँ पे मैंने भी हेडशॉट मारा था, उसने भी हेडशॉट मारा था, लेकिन मैं पहले डाउन कैसे हो गया। मेरे पार्टनर आके मुझे रिवाइव कर रहा था, लेकिन उसका भी पार्टनर उसे रिवाइव करने आ गया था, लेकिन उससे पहले मैं रिवाइव हो गया था और उसको हेडशॉट मार के उसका स्क्वाड को फिनिश कर दिया था। मेरे डाउन होने के बाद मेरे पार्टनर ने उसे मार के डाउन तो कर दिया था और मुझे रिवाइव भी कर दिया था, लेकिन मुझे इस केस पे अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि सबसे पहले मैंने उसको हेडशॉट मारा था जो 199 का पड़ा था, और उसने मुझे उसके बाद हेडशॉट मारा था जो 200 का पड़ा था। इसके वजह से मैं डाउन हो गया था और मैंने सोच लिया था अभी इस केस को नहीं चलाना, इस केस को छोड़ के उठ पी कर गाइस यहाँ पे मैं एक्सचेंज कर लिया था। और हंगर से निकल के मैं बीमा शक्ति की तरफ आ गया था कि देखा यार यहाँ पे कोई तो किसी को रिवाइव किया और यहाँ पे फाइटिंग भी हो रहा है, कि देखा घर के खिड़की से कोई तो किसी को मार रहा था, और इधर देखा एक बंदा ग्लू के पीछे आराम से कवर ले रहा था, उठ पी कर से एक हेडशॉट तो मारा था जिसकी वजह से इसको सील्ड आ गया था, लेकिन मैंने उसके ऊपर लगातार फायर करता गया और डाउन हो गया। और अभी उसका किल भी मैंने कंफर्म कर लिया, जहाँ पे सामने की तरफ और बहुत ज़्यादा बंदा है, कि देखा यार दो बंदा मेरे सामने की तरफ जोर से निकल के आ रहा था और अभी मुझे उन लोगों को मारना था, तो एक को तो हेडशॉट लगा था लेकिन वो डाउन नहीं हुआ, क्योंकि छोटा सा हेड पड़ा था और वो कवर में आ गया था, लेकिन वो नीचे की तरफ जाने के लिए सोच रहा था, तभी यार मैंने उसको नीचे से ऊपर से मार दिया, उसका सीड आ गया था, लेकिन मेरे पार्टनर ने उसे डाउन कर दिया। यहाँ पे सामने की तरफ एक और बंदा था, लेकिन मेरे पार्टनर ने किल चुरा लिया। तो यहाँ पे नीचे की तरफ और ज़्यादा बंदा है, क्योंकि फायरिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, शायद एक दो स्कॉट आपस में लड़ रहा था, तो मैंने उसका फ़ायदा लेने के लिए सोचा, उस मूवमेंट का फ़ायदा लेने के लिए सोचा, और यहाँ पे जहाँ पे जोन भी तब तक हमारे ऊपर से चला गया था, तो अभी जोन के बाहर भी जाना था, कि देखा एक बंदा पेड़ के पास था, उसको डाउन किया और ऊपर की तरफ भी एक बंदा था। मुझे डर था कि शायद मेरा किल चुरा ना ले, जिस बात का डर था वैसे ही हुआ। मैं इधर से घूम के जाने की कोशिश किया, उसका किल कंफर्म करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे पता था यार मेरा किल अब तक तो चोरी हो गया होगा। जिस बंदे ने मेरा किल चुराया था उसको मेरे पार्टनर ने मार तो दिया था, लेकिन उसके अलावा भी एक और बंदा था जो ऊपर के साइड
कवर में था और हमें डैमेज से डैमेज दे रहा था, जहाँ पे उसके पास ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज है हमें मारने का, क्योंकि ऊपर से बहुत ही जल्दी आसानी से हिट लगता है। और मुझे ऐसा लग रहा था शायद उसने मुझे नहीं देखा होगा, तो मैं उसे घूम के मारने का कोशिश किया था और इधर आके देखा कि उसका ध्यान मेरे पार्टनर पे था, तो मैंने उसको हिट मार के डाउन तो कर दिया था, लेकिन मुझे डाउन कर दिया रे, मेरे पार्टनर को उसने डाउन कर दिया था। ऊपर से जोन भी बहुत दूर निकल गया और मुझे अभी इसको रिवाइव भी करना है, तो मैं जल्दी से जल्दी इस तरफ इसके पास आ गया और यहाँ पे इसको रिवाइव करने लगा। और मुझे पता है कि वो डाउन है, शायद उसके पास सुई ना होगा तो वो मर जाएगा। और जहाँ पे जोन बहुत दूर निकल गया था और उसका किल भी मुझे मिल गया था, इसके साथ मेरे यहाँ पे 9 किल हो गया और अभी भी 17 बंदा अलाइव है। लेकिन अभी सबसे बड़ा मुसीबत आ गया था, हमें जून से बाहर भी जाना था और अभी हमें एक सुपर कार की जरूरत था, जीप है ना उधर, जहाँ पे मेरे पार्टनर को एक जीप मिला था, लेकिन मैंने पैदल जाने के सोचा और मैं पैदल निकल आया था। वहां से थोड़ा दूर आया और मुझे याद आया यार मेरे पास तो एक छोटा लॉन्च पैड था जिसे यूज करके हम आसानी से यहाँ से निकल सकते, और मैंने सोचा यार चलो इसको अब यूज करके यहाँ से निकल जाते यहाँ से, लेकिन यार इसको यूज किया लेकिन मैं इधर लैंडिंग हुआ इस घर के ऊपर, मैं तो यहाँ से आसानी से निकल जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा मुसीबत पे अभी मेरा पार्टनर था, क्योंकि उसके पास जोन भी था और जीप भी था, जिस जीप पे सबसे ज़्यादा डैमेज देता है। और यहाँ पे मेरा पार्टनर मेरे पास भी आ रहा था, तो मैंने अभी तब तक नीचे उतर गया था जहाँ पे जंप किया तो थोड़ा बहुत डैमेज भी हुआ था, तो मुझे लग रहा था यहाँ पे शायद कोई बंदा नहीं होगा, तो यहाँ पे मैं आके मेडी मारने लगा, तब तक मेरा पार्टनर भी मेरे पास आ गया था। हम दोनों वहाँ से सेफ तो निकल आए थे कि देखा यार सामने की तरफ एक स्क्वाड घूम रहा था, तो शायद फाइटिंग हो रहा था, ग्लू वगैरह मरा हुआ था, तो हमने थोड़ा सा डैमेज दिया और उनके ऊपर राज करने की सोचा, तभी यार पीछे से कोई फायदा लेने का कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी मैंने डायरेक्ट उन लोगों के ऊपर राज कर दिया, क्योंकि सबसे पहले इनको ख़त्म करेंगे उसके बाद पीछे वाले को। पीछे वाला इतना ज़्यादा डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा था, लेकिन थोड़ा बहुत बीच बीच में यार फायदा लेने का कोशिश कर रहा था। उतने में मैंने एक को डाउन किया था और मेरे पार्टनर में भी शायद तो दो बंदा डाउन था, लेकिन तभी मैंने इस मोमेंट का फायदा लेने के लिए रास कर दिया था। देखा एक बंदा यार नीचे की तरफ जा रहा था, तो मैंने उसको डैमेज देके डाउन कर दिया, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज था। तो यहाँ पे एक और बंदे को ऊपर डाउन किया था, उसके पास और एक बंदा था, तो उसने उसे मुझे काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया था और उसे ब्लू मार के रिवाइव करने लगा, और उन्हें जो है उन लोगों को अभी सेफ जोन में आना है, तो मैंने उसके ऊपर ज़्यादा रास नहीं किया, अभी नीचे की तरफ आ गया। शायद मुझे मेरा पार्टनर ने उन लोगों को मार भी दिया होगा अभी तक। जहाँ पे इसके साथ मेरा 11 किल हो गया, अभी भी 8 बंदा है लाइव है, और वो पीछे वाला इतना मजे ले रहा है ना चूतिया। लेकिन अभी हमें वो पीछे वाले बंदे को मारना है जो फायदा लेने का कोशिश कर रहा था, लेकिन सेफ जोन नीचे था, तो हम लोग डायरेक्ट सेफ जोन में आ गए और देखा यार यहाँ पे कोई तो किसी को मार रहा था, फाइटिंग हो रहा था। देखा यार यहाँ पे ग्लू बहुत मारा हुआ था और एक बंदा पत्थर के ऊपर था, तो मैंने उसको हेड मार के डाउन कर दिया और उसको फुल मार दिया। मुझे ऐसा लगा था कि शायद यहाँ पे कोई और एक बंदा भी था, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे उसे दिखाई भी नहीं दे रहा था। मैंने उसको ढूंढने का कोशिश भी किया, लेकिन कहीं पे भी वो दिखाई नहीं दिया, तो मैंने सोचा शायद यहाँ से निकल गया होगा या तो फिर मेरा भ्रम होगा। जहाँ पे गेम में भ्रम तो नहीं होता है, शायद हो भी सकता है यहाँ पे एक बंदा, लेकिन अभी तक उसे मैंने देखा नहीं। और जहाँ पे मेरा पार्टनर ने इसको डाउन कर दिया था और उसको मार भी दिया था, तभी यहाँ से निकलने का सोचा, रास करने का सोचा, तभी एक बंदा इधर से उठ के आ गया था जो छुपा हुआ था, तो मैंने उसको SBD से यहाँ पे कुछ कर से डाउन कर दिया था और उसको मेरे पार्टनर ने मार भी दिया, फुल कंफर्म कर दिया। जहाँ पे अभी सिर्फ और सिर्फ 4 बंदा अलाइव है और मेरा 13 किल हो गया था। वहाँ से सेफ जोन की तरफ जाने के सोचा कि देखा यार एक बंदा है जो सामने की तरफ हमें मारने का कोशिश कर रहा था, वहाँ पे एक नहीं 2 बंदा था और वो दोनों ही सेम स्क्वाड का ही बन रहा था और हमें हेडशॉट मारने का कोशिश कर रहा था। जहाँ पे यार मेरे पार्टनर को बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे दिया था और वो मेडी मार रहा था, और मुझे लग रहा था यार अभी हमें रास करना चाहिए, क्योंकि वैसे तो उसके पास सिर्फ जोन है, हमें जाना तो पड़ेगा और अगर जोन आ गया तो वो लोग हमें जाने नहीं देगा। तो मैंने यहाँ पर रास करने का सोचा और थोड़ा सा साइड लेके कवर में आ गया था, जहाँ पे मुझे लगा शायद हम दोनों दो तरफ होंगे तो आसानी से हम फ़ायदा ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इतनी दूर में भी नहीं था, मेरे पार्टनर के रेंज पे ही था मैं, ताकि मैं उसको कवर दे सकूँ। तो यहाँ पे देखा यहाँ पे एक लड़की है जो एक बंदे को कवर दे रहा है और मैं उसको मारने का सोचा, तो वो लड़की मुझे मार रहा है। अभी इस लड़की को मारना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पे उसने मुझे बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया। तो मैं एक पेड़ के कवर में था और किसी ने तो स्टैंड ग्रेनेड फेंका था, वहाँ से बच के इधर आके देखा यार वो दोनों ही यार मेरे पार्टनर के ऊपर राज कर रहे हैं। उनमें से एक लड़की था जो मेरे ऊपर राज करने का सोचा, तो यहाँ पे मैंने उसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया था, उससे ज़्यादा डैमेज मेरे पार्टनर ने उसको दिया था, और मैंने एक हेड शॉट से UMP को डाउन हो गया था। और यहाँ पे एक और एनिमी था जो उसका ही पार्टनर था और मेरा पार्टनर कवर में था, तो मैं यहाँ पे आसानी से इसका किल कन्फर्म कर लिया और
यहाँ पे मुझे पता था सामने की तरफ वो बंदा होगा और मैं उसको हेड मारने के लिए वुड पिकर लेके खड़ा था, लेकिन यार तब तक मेरे पार्टनर ने उसे मार दिया था। इसके साथ कैसे यार हमने यहाँ पे बुया ले लिया डूबस स्क्वाड पे, जहाँ पे मेरा 14 किल हो गया था और मेरे पार्टनर का 6 किल हुआ था, मतलब टोटल 20 किल हो गया था। तो भाई यार आज के लिए तक था, वीडियो अगर पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।